पाठ 9 उलझन सुलझन। बच्चों आप लोग रीडल्स पढ़ते हो, हिंदी में पहेलियां कहते हैं, उसके आंसर ढूंढने होते हैं। पहेलियों को कि जब हम आंसर ढूंढते हैं ना तो उसे कहते हैं पहेलियां बूझना। पहेलियां बूझना एक कला है। पहेलियों से विद्यार्थी आप लोगों को की विचार शक्ति का विकास होता है। आप जो भी शब्द पढ़ते हैं उससे आप अपने दिमाग में एक चित्र बना लेते हैं और फिर उसका आंसर तुरंत ढूंढ पाते हैं। यहाँ इसी तरह शब्द ढूंढने के लिए कुछ शब्द दिए हैं पहेली के रूप में। तो एक के बाद एक पहेली को आपने पहले सुनना है, साथ में मैंने चित्र भी दिए हैं, तो चित्र से तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किस चीज का चित्र है, किसके बारे में चित्र है और किस चीज का वर्णन किया गया है। चलो सबसे पहली पहेली पढ़ते हैं। एक फूल काले रंग का, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तो जवाब होगा हाँ, जिसे आप अम्ब्रेला कहते हो ना हिंदी में, उसे क्या कहते हैं? छाता। एक फूल जैसा खिला हुआ होता है, सदा उल्टा ही रहता है। सुहाता मतलब सुंदर लगता है सर के ऊपर। धूप में हम छाता उपयोग करते हैं, वर्षा में करते हैं, और जब छाया आ जाती है तो वो बंद कर देते हैं, इसलिए लिखा है छाया में मुरझाता। चलो तो दूसरी पहेली देखें। चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं किसी की रानी, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। जी हाँ, जीभ। देखो छोटे से बच्चे की जीभ दिख रही है ना, तो चोर भी नहीं है जीभ, डाकू भी नहीं है, कहीं की रानी भी नहीं है, लेकिन 32 दांत। यहाँ पे सिपाही किसे कहा गया है? दांतों को। 32 दांत के बीच ये छोटी सी जीभ पानी पानी होती रहती है, इसीलिए लिखा है जीभ। चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। तीसरी पहेली पर चले। नाम मेरा तीन अक्षर का, कितने अक्षर का भाई? तीन अक्षर का। रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। नमक। नमक तीन अक्षर, न म और क, तीन अक्षर का शब्द हुआ। और सागर तट पर मिलता हूँ, रहने वाला हूँ, क्योंकि नमक कहाँ से मिलता है? समुद्र के किनारे से मिलता है ना, खाने में हम उपयोग में लेते हैं, इसलिए लिखा है खाने में आता हूँ, और बोलो बच्चों मेरा नाम। तो जवाब होगा नमक। चलो कुछ और पहेलियां पढ़े। आदि कटे तो दशरथ सूत होता, सूत मतलब बेटा, दशरथ राजा का बेटा होता। मध्य कटे, मध्य का भाग अगर निकाल दे तो आम। अंत कटे तो काटू लकड़ी, आरा, आरे से लकड़ी कटती है ना, बोलो मेरा नाम, तो आराम। आगे का अगर हम आ निकाल देंगे तो राम बन जाएगा। राम दशरथ राजा के सूत मतलब पुत्र थे। मध्य कटे मतलब मध्य का अगर हम रा निकाल दे तो हो जाएगा आम। अंत कटे, अंत मतलब राम का म निकाल दे तो आरा, बोलो मेरा नाम, आराम। पांचवी पहेली। दो सखियां दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी में दुख में रोले। आंखें, आंख दोनों को सखियां बताया है। आंख जब खुलती है तो ही हम सब कुछ देख पाते हैं, सपने भी देखते हैं, हंसी में हमारी आंखें भी हंस उठती है और दुख में हमारी आंखें रोने लग जाती है ना। तो दो सखियां दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। आंख। छठी और आखिरी पहेली। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नव है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। दादा भाई
नवरोजी, ये शब्द, ये नाम ढूंढने को बोला गया था, दादा भाई नवरोजी। तो बच्चों मजा आया पहेलियां सुन के, अब हम चित्र देखकर उसके नाम को लिखेंगे। चलो देखते हैं। दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। देखो पहला चित्र दिया है सारंगी का, और दूसरा कौन सा लग रहा है, मोर। जी हाँ, पहली है सारंगी और दूसरा है मोर। तो इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप लोग भी इस तरह की कई पहेलियां बना बना के बुझ सकते हो। बुझ सकना मतलब उसके आंसर देना। मजा आया बच्चों? चलो इसी के साथ यहाँ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।